हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सुशांत सिंह। देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम लोग मौजूद हैं और एक फिर से आगरा नहर में डेड बॉडी मिली है। मौके पर ईआरवी की वैन और पुलिस की गाड़ी मौजूद है। देखिए हम आपको आगे की ओर ले जाएंगे। देखिए तमाम लोग हैं। भाई साहब किसकी डेड बॉडी है, क्या कुछ सूचना है? पुरुष की है, महिला की है? पता नहीं जी, अभी पता नहीं जी, पता नहीं है। अभी अभी आए हैं? अच्छा, अभी अभी आए हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सूचना मिली थी। मौके पर जो है सदर थाने की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और रस्सी के सहारे डेड बॉडी को निकाल रही है। देखिए आए दिन रोजाना डेड बॉडी मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आज फिर जो है डेड बॉडी मिली है, पुरुष की बताई जा रही है। और देखिए पुलिस कर्मियों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो है मर्डर है क्या, कुछ और है? तो भाई साहब किस साइड गए हैं? इस साइड गए क्या? अच्छा इस साइड है जी। ये देखिए यहाँ पर आगरा नहर के पास मौजूद सेक्टर 8 का एरिया लगता है और मौके पर सदर पुलिस है। किस चीज़ की डेड बॉडी है भाई साहब, पुरुष की महिला की है? अभी मुझे भी पता भाई साहब। कहाँ से निकलेंगे? यहाँ से थोड़ा संभल के आना आप। ये देखिए यहाँ पर मौके पर जो है पुलिस भी है और यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं। तो कब किसने सूचना दी भाई साहब पुलिस को? है भाई साहब बॉडी को पहले किसने देखा? आप यहीं पे रहते हैं? ना मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, मैं यहाँ बंद गाड़ी खड़ी कर रहे थे, मैं आया था। अच्छा गाड़ी खड़ी कर रहे थे। हाँ। ये देख सकते हैं सामने आप, ये देखिए सामने जो है मौके पर पुलिस है और आगरा नहर में मैं आपको बता दूं कि डेड बॉडी मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पुरुष की डेड बॉडी बताई जा रही है और ये देखिए मेरे सामने, ठीक सामने देख सकते हैं डेड बॉडी को निकालने के लिए जो पुलिस कर्मी है वो जद्दोजहद कर रहे हैं रस्सी के सहारे। जो तमाम यहाँ पर पुलिस बल है सदर थाने से, जो पुलिस बल है मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये देखते देख सकते हैं ठीक सामने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भी यहाँ पर है। और ये देखिएगा जैसे कि डेड बॉडी जो है हम आपको दिखाएंगे और ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। भैया पुरुष की है महिला की है डेड बॉडी, किस चीज़ की है? अच्छा आदमी की है, ये देखिए पुरुष की है। और यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि तो भाई साहब पुरुष की है महिला की है डेड बॉडी? ये देखिए रस्सी के सहारे, ये देखिए रस्सी के सहारे जो है पुलिसकर्मी डेड बॉडी को निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उसके बाद पता लग पाएगा कि कितनी पुरानी डेड बॉडी है। ये देखिए यहाँ पर पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है और आगरा नहर पर फिर से मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ठीक मेरे सामने, ये देखिए यहाँ पर लोग काफ़ी खड़े हुए हैं और देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं और यहाँ पर पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है मौके पर। ये देखिए पुलिस बल रस्सी के सहारे डेड बॉडी को निकालने की जो कोशिश है वो यहाँ पर हो रही है, कर रहे हैं। और हमने कुछ दिन पहले भी आपको खबर दिखाई थी, पहले भी एक डेड बॉडी जो है बहती हुई इस आगरा नहर में मिली थी और दोबारा जो है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप। और देखिए फंसी हुई है झाड़ियों में, आप यहीं रहिए। डेड बॉडी देखिए काफी बदबू भी आ रही है और ये देख सकते हैं मौके पर जो है यहाँ पर देखिए 4 पुलिसकर्मी मौजूद हैं और पीछे भी है पुलिसकर्मी और मौके पर ईआरवी वैन मौजूद है और फिर से एक डेड बॉडी मिली है और डेड बॉडी मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। देख सकते हैं पुलिसकर्मी जो है रस्सी के सहारे रस्सी बांधकर डेड बॉडी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं सदर थाने की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है मौके पर और यहाँ पर देख सकते हैं जद्दोजहद यहाँ पर कर रहे हैं और डेड बॉडी भी हम आपको दिखाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और खबर को शेयर करते रहें, शेयर जरूर करते रहें क्योंकि खूनी जो नहर है ये बताई जा रही है कि यहाँ पर लगातार जो है डेड बॉडी मिलती रहती हैं। ऐसे में यहाँ पर रोजाना जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर मेहनत करते हैं काफ़ी डेड बॉडी निकालने में और ये देखिए सहायता मांगने की कोशिश करते हैं लोगों से परंतु सहायता नहीं करते हैं। ऐसे में देखिए तमाशबीन लोग यहाँ पर, देखिए जूम करके दिखाएं, यहाँ पर तमाशबीन लोग यहाँ पर आपको जरूर दिख रहे होंगे। पुलिसकर्मियों ने मदद भी मांगने की कोशिश की परंतु मना कर दिया गया, परंतु पुलिसकर्मी यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी भी यहाँ पर हैं। भीड़ आ रही है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए अब निकालने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर चैन बनाकर देखिए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है
एक के हाथ दूसरा पकड़कर डेड बॉडी निकालने की यहाँ पर कोशिश देखिए कोशिश की जा रही है। देखिए काफ़ी वहाँ पर डेड बॉडी जो है और वो फूल गई है और ऐसे में काफ़ी मेहनत भी लग जाती है। और यहाँ पर ये देखिए निकालने की कोशिश यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 जो लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए 6 के 6 लोग मेहनत कर रहे हैं परंतु डेड बॉडी निकल नहीं रही है क्योंकि पानी में जाकर फूल जाती है, वजन काफ़ी बढ़ जाता है। और ये देखिए देख सकते हैं यहाँ पर आप और हमारा भी सहयोग है। स्वाप ये स्वाप ये देखिए दे दीजिए हो तो दे दो यार खेत ले अरे दे दे यार खेत ये तो पूरा काम है। बिल्कुल ये देखिए करीब 10 से 12 लोग डेड बॉडी को निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें देख रहे हैं आप। किस चीज भाई पुरुष की या महिला की डेड बॉडी? पुरुष की है। पुरुष की कब पता लगा कैसे पता लगा कैसे पहुंचे आप यहाँ पर? अभी आए हैं अभी देख के। अच्छा देख के आए हैं। अच्छा तो ये देखिए यहाँ पर मदद करने के लिए लोग पहुंचे हैं और पुलिस की मदद कर रहे हैं। अच्छी बात है, मदद करनी भी चाहिए। और यहाँ पर डेड बॉडी देखिए काफ़ी वजन हो जाता है फूलने के बाद। ये देखिए कोशिश काफ़ी है निकालने की। काफ़ी फूली है और काफ़ी पुरानी डेड बॉडी है और बिल्कुल काली पड़ चुकी है जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। पैंट पहनी हुई है और शर्ट भी नहीं है। और ऐसे में यहाँ पर देखिए जद्दोजहद कर रहे हैं निकालने की और काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है और काफ़ी लोग भी हैं। ये देखिए काफ़ी लोग भी यहाँ पर हैं और ये देखिए काफ़ी सड़ी हुई है, काफ़ी यहाँ पर बदबू भी आ रही है। काफ़ी पुरानी डेड बॉडी है और ऐसे में यहाँ पर सदर थाने की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई है। खबर को शेयर ज़रूर करते रहे जो भी दर्शक हमारे साथ देख रहे हैं। क्राइम सिटी बन चुकी है फरीदाबाद सिटी और हत्या है आत्महत्या है या कुछ और है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा। ये देखिए स्ट्रेचर को यहाँ पर ले जाया जा रहा है और स्ट्रेचर पर डालकर अब डेड बॉडी को उठाया जाएगा। ये देखिए तमाम तस्वीरें देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग भी हैं और ऐसे में ये देखिए निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और ऐसे में यहाँ पर ये देखिए ये देखिए काफ़ी डेड बॉडी काफ़ी फूल गई है और उसको वो भाई साहब